हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज थर्सडे है, गुरुवार का दिन, आज येलो डे है, तो मैंने आज ये येलो साड़ी, सिल्क साड़ी है ये, तो सिल्क साड़ी मैंने पहना है। साउथ इंडियंस को तो ऑलवेज पसंद है, सिल्क साड़ी ही उनको पसंद है। इसका मैचिंग ब्लाउज मैंने कुछ ये मैंने दूसरा ब्लाउज सिलवाने के लिए मेजरमेंट के लिए दिया था, टेलर के पास है तो वो, तो मैं ये वही ब्लाउज मैंने ऑल इन वन ब्लाउज मैंने मैचिंग वाला पहना है। इसका ब्लाउज मैं नेक्स्ट कभी आपके साथ शेयर करूँगी, कभी जब दूसरे दिन कोई त्यौहार के लिए रेडी होंगी तब। तो मुझे ये मेरे नेबर ने मुझे ये साड़ी पहनाया है, जो मेरे नेबर है, पड़ोसन है, उनका नाम मुत्तू है, मुत्तू उनका नाम है, तो वही लेडी ने मुझे ये साड़ी पहनाया है। बहुत मतलब मेरा हेयर भी वेट है, मैंने कोई हेयर स्टाइल नहीं बनाई, अभी जल्दी टाइम हो रहा है मुझे, अभी यहाँ से 2 मिनट के अंदर निकलना है। बाय बाय। इनकी मम्मी मुझे लीव, हाँ, इनकी मम्मी ने मुझे साड़ी पहनाया है। तो हाय हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बेरल तेगी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सब्सक्राइब माड़ी, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब करो, प्लीज सब्सक्राइब करो एंड लाइक शेयर करो। थैंक यू। नमस्ते करो। हाँ नमस्ते, ओके। तो आज ये मेरा साड़ी का मैं उन्होंने उनकी मम्मी ने ही मुझे ये साड़ी पहनाया, मैं नहीं उनको उठाई थी, उन्होंने सुबह 7:30 को मेरे घर आए, मैं ऐसे ही खड़ी हो गई, मुझे साड़ी बांधा पहनाया। तो देखिए कैसा लग रहा है, आई डोंट नो रियली, मुझे तो अच्छा लग रहा है बहुत ही, मतलब ऐसा ना स्टिच किया हुआ साड़ी मैंने, ड्रेस जैसे पहन लिया हो वैसा मुझे फील हो रहा है। तो नवरात्रि के चौथे दिन हम देवी माता कुष्मांडा देवी का आराधना करते हैं, और प्याज लहसुन कुछ भी हम मसाला नहीं खाते, उतना सात्विक भोजन ही, जैसे संन्यास जीवन ही हमको 9 दिन तक करना पड़ता है, रहना पड़ता है, बहुत ही शुद्धि पवित्र और सात्विक भोजन के साथ सब कुछ रिचुअल्स हमको करना रहता है। कुष्मांडा माता का मतलब क्या है? कुष्मांडा, जिनको कुष्मांडा का बलि बहुत प्रिय है, कुष्मांडा मीन्स एक पंपकिन रहता है, उसका बलि उनको बहुत प्रिय है देवी माता को। और दूसरी बात ये भी कहते हैं, कु मीन्स लिटिल, अश्मा मीन्स वार्म्थ, अंडा मीन्स एग, मतलब कुष्मांडा मीन्स जो माँ इस दुनिया को जन्म देती है, इस यूनिवर्स को जन्म देती है, वही सब सृष्टि करता है, माता ही क्रिएटर, तो इसीलिए कुष्मांडा देवी का हम आराधना करते हैं। और माँ के बिना ये संसार, ये यूनिवर्स अधूरा है, तो इस बात के लिए हम कुष्मांडा माता का आराधना करते हैं। मुझे तो बचपन से ही, पहले से ही त्योहारों को मनाने का बहुत खुशी मिलती है, और मेरे बच्चे जब मेरे साथ थे तो इतना ग्रैंड में घर में मैं त्यौहार मनाती थी, सच में ना मैं अगर तब व्लॉग बनाती होती तो वो कुछ बात ही अलग रहता था। बहुत यादें मुझे त्यौहार के दिन, बहुत यादें सारे आ जाती है बच्चों के साथ, और मैं खुद सभी कुछ अकेले 3 AM 4 AM उठकर सभी काम करती थी, पकवान बनाती थी, भोजन बनाती थी, भोग चढ़ाती थी, और फिर से बाद में मंदिर, अपने बच्चों को अपने साथ हमेशा मंदिर लेकर जाती थी, और स्तोत्र पठन घर में सभी, सुबह का पूजा, शाम का आरती, और सुहागन को घर में
बुलाकर उनको जो भी कुमकुम और सुपारी देना होता है। साउथ इंडियन में तो बहुत मतलब सुहागनों को शाम को बुलाकर हल्दी कुमकुम देना, सुपारी देना, ब्लाउज पीस देना, ये सभी कुछ भी वस्त्र सभी कुछ देना, कंगन बैंगल्स देते हैं, तो ये सभी कुछ रहता है। मुझे बहुत खुशियाँ मिलती है ऐसे सारे मतलब रिचुअल्स करने में, फॉलो करने में। मैं तो आस्था, मेरे मन में बचपन से ही आस्था श्रद्धा भगवान के लिए और अपने जो भी सनातन धर्म के जो हमारे पहले बुज़ुर्गों ने बनाया है वो सभी मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं जब तक ज़िंदा हूँ तब तक फॉलो करूँगी ही। नवरात्रि के फोर्थ डे हम देवी माता कूष्मांडा देवी का पूजन करते हैं और सिंबल सारी जो कलर रहता है येलो कलर है और येलो जो सिंबल है कलर हैप्पीनेस, एनर्जी, क्रिएटिविटी, स्पिरिचुअलिटी, वार्म्थ और परसेप्शन की ये सिंबल है येलो कलर। नवरात्रि हम क्यों मनाते हैं? देवी दुर्गा ने अश्विन के महीने में महिषासुर पर आक्रमण करके उसके साथ 9 दिन तक युद्ध किया और 10वें दिन महिषासुर का वध भी किया, इसलिए 9 दिनों को शक्ति की आराधना के लिए समर्पित कर दिया गया है। माँ दुर्गा को अम्बा, चंडी, काली, चंद्रिका, दुर्गा, इनके अलावा महिषासुर मर्दिनी नाम से भी पुकारा जाता है। और नवरात्रि का चौथे दिन जो होता है कूष्मांडा देवी का हम आराधना करते हैं और 5th डे जो होता है 5वें दिन हम देवी स्कंद माता का आराधना करते हैं, जो येलो ग्रीन साड़ी स्कंद माता का हमने 5वें दिन पहना था। तो आज शुक्रवार का स्कंद माता जी का आराधना हमारे ऑफिस में भी था, तो ये नवग्रह का मतलब और गणेश जी का हवन होम सभी कुछ ऑफिस में हुआ। उसके बाद भोजन प्रसाद भी हमारे ऑफिस में था, सभी अरेंज कर दिया गया था और मैं 5th डे के लिए ग्रीन कंची सिल्क साड़ी मैंने पहना है। मुझे ऐसा कभी फील ही नहीं होता कि मैं अकेली हूँ, कि मैं अकेली हूँ ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मेरी माता जो मैं श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा आराधना करती हूँ, मेरी माता काली माता दुर्गा माता मैया मेरे साथ है, हमेशा मेरे साथ रहेंगे, उनका आशीर्वाद उनका करुणा प्यार मेरे साथ है। और जो भी मैं मतलब मैं भी काम करती हूँ हर गृहिणी की तरह, मैं भी अपने घर में भी काम करती हूँ और ऑफिस में भी मैं काम करती हूँ, मुझे बिजी शेड्यूल दे देती है साक्षात माता ही, मुझे बिजी शेड्यूल दे देती है क्योंकि मैं कोई भी चिंता ना कर सकूँ, हैप्पी रहूँ, खुश रहूँ। उनको ये मालूम है कि मुझे काम करना बहुत पसंद है, बिजी रहना पसंद है, इसीलिए वो मुझे काम देती है। तो मैं ऑफिस में अगर जाती हूँ तो वहाँ भी मैं अपने कोलीग्स के जो भी रहते हैं, वो मेरे कोलीग्स हो, मेरे स्टाफ हो, सब के साथ खुशी खुशी हम त्यौहार मनाते हैं। जैसे हम घर में रहते हैं ना वैसे ही वहाँ पर भी रहता है माहौल। तो घर में आती हूँ तो घर में भी शाम को दिया लगाना, घर क्लीनिंग करना, थोड़ा प्रसाद बनाना ऑफिस के लिए, थोड़ा सब के लिए जितना मुझसे बनता है, एक छोटा सा प्रसाद ही सही, कोई स्वीट ही सही मैं लेकर जाती हूँ उनके लिए, कि सबके साथ खाने में बहुत खुशियाँ रहती हैं। तो मैं बहुत हमेशा मैं खुश थी, खुश हूँ और खुश रहूँगी। ये साड़ी मैंने 1998 में एक कंची साड़ी मैंने लिया था, कितने साल हो गए मुझे भी ठीक से याद भी नहीं है। बहुत सुंदर साड़ी है, मुझे बहुत लाइक है ये साड़ी। Thank you.
हमारे सनातन धर्म की यही एक सौभाग्य की बात है कि हम महिलाओं को अलग अलग त्यौहार के लिए अलग अलग रूपों में सजने का, संवरने का एक खुशी और एक मौका मिलता है। तो मैं भी बहुत खुश हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।